हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं टेम्पलेट फिश फ्राई। देख सकते हैं हमने मार्केट से लाया है और इस तरह से कट लगा लिया हूं ताकि इसमें मसाला अंदर तक जा सके और बढ़िया से मैरिनेट हो सके। अब हम आगे का प्रोसेस मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा, हाफ स्पून से भी थोड़ा कम। लाल मिर्च हाफ स्पून से थोड़ा सा ज्यादा। हल्दी हाफ स्पून। जीरा चुटकी भर। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून। हाफ लेमन। अब इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। हर कट में मसाला लगाना है, याद रहे, ताकि नमक अंदर तक जा सके। ये देखिए, मैंने सारे मिक्स कर चुका हूँ मसाला, सारे कट में मैंने लगा दिया है बढ़िया से। अब इसको हम मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे। फिश मेरा मैरिनेट हो चुका है क्योंकि 10 से 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। फ्राई पैन में हम थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे। बस थोड़ा सा ही, ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये देखिए, तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम फिश डाल देते हैं। इसको हम मीडियम लो में ही फ्राई करेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई करने में। लगभग 1.5 से 2 मिनट मेरा हो चुका है। अब देखते हैं इसको पलट कर आराम आराम से। सही है, इसी तरह सभी को हम पलट देंगे। फिर से 1.5 से 2 मिनट इसको भी पका लेते हैं। इसी तरह हम पलट पलट कर ही पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। फिर से पलट के देखते हैं। फिर से पलट के देखते हैं इसको क्या हाल है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, मेरा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से बढ़िया से पक चुका है। अब हम इसको एक एक करके आराम आराम से निकाल लेते हैं।
देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया हुआ है। ये देख सकते हैं मेरा पैम्पलेट फिश तैयार है बिल्कुल खाने के लिए। ये आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये पैम्पलेट फिश स्टार्टर के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं और आने वाले गेस्ट को जरूर सर्व कीजिए, ये काफ़ी लजीज है। धन्यवाद। जय हिंद।